हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। आज अभी 2 मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज भारत रत्न। याद रखिएगा, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम्स में मिलने वाले, तो इस लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते बेसिक फैक्ट्स क्या है भारत रत्न के बारे में। याद रखिए, भारत 1954 से एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक सिविलियन अवार्ड है, याद रखिए, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। अब आप सोचेंगे सर, हाईएस्ट सिविलियन किसको दिया जा सकता है? किसी को भी दिया जा सकता है। याद रखिएगा, एक्सेप्शनल सर्विस है अगर आपकी ह्यूमन एंडेवर के लिए, तो याद रखिए आपको किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, एनी ऑफ द फील्ड। ओके, तो ये आपको 1954 याद रखना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स। सबसे पहला, ये अवार्ड किसको दिया गया? 1954 में 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया था, सी राजागोपालाचारी, राधाकृष्णन और सी वी रमन। याद रखना आपको, सबसे पहले 3 लोग को ये 1954 में अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ये अवार्ड कुछ स्पेशल लोगों की पर्सनैलिटी को दिया गया, जिसके रिलेटेड कुछ फीचर है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, सबसे पहले पोस्टमसली, याद रखिए, मतलब इनकी डेथ होने के बाद इनको सबसे पहले अगर पूछा जाए कि डेथ होने के बाद किसी को भारत रत्न मिला है, तो बिल्कुल वो है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। तो पहले पर्सन जो पोस्टमसली इनको अवार्ड मिला है भारत रत्न, वो है लाल बहादुर शास्त्री। सचिन को 2014 सबसे यंगेस्ट पर्सन एट द एज ऑफ 40 ईयर्स इनको भारत रत्न मिल गया था। सबसे एजेड याद रखिएगा, केशव कारवे 1958 में, इनकी एज 100 ईयर्स हो चुकी थी तब इनको भारत रत्न मिला। तो सबसे यंगेस्ट ही हो गए, ओल्डेस्ट ही हो गए। राजीव गांधी इसलिए फेमस है, याद रखिएगा, मतलब उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद यंगेस्ट उनको मिल गया। कहने का मतलब उनकी एज 47 ईयर्स थी, ऑफकोर्स याद रखिएगा उनको डेथ होने के बाद उनको मिला गया, बट उनकी एज 47 में यंगेस्ट डेथ होने के बाद इनको अवार्ड मिला, वो थे राजीव गांधी 1981 में। और जब उनका अगली पर्सनैलिटी की बात करें, मदन मोहन मालवीय 2015, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अवार्ड जब मिला तब इनकी एज, मतलब ऑफकोर्स डेथ तो हो चुकी थी, इनको 2015 में मिला है, 153 ईयर्स के हो चुके थे, मतलब ओल्डेस्ट आफ्टर डेथ अगर देखा है तो याद रखिएगा सबसे लेट इनको मिला है, 153 ईयर्स बाद मिला है इनके बर्थ से। ओके, तो मदन मोहन मालवीय 2015 में इनको मिला है। ओके, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेन नेशनल है जिनको भारत रत्न मिला है। सबसे पहले फॉरेन नेशनल इनको भारत रत्न मिला है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के 1987 में, और नेल्सन मंडेला 1990 में साउथ अफ्रीका के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको याद रखना है। अब 3 ऐसी पर्सनैलिटीज है जो इंडिया में बॉर्न नहीं हुई है जिनको भारत रत्न मिला है। तो 2 तो ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान क्योंकि पाकिस्तान के 1987 में इनको मिला, पहले फॉरेन नेशनल है जिनको भारत रत्न मिला है। दूसरे नेल्सन मंडेला 1990 में, इनका बर्थ साउथ अफ्रीका में हुआ। बट एक और ऐसी पर्सनैलिटी जो है तो इंडियन, बट याद रखिएगा नेचुरलाइज सिटीजन है, मतलब इनका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ था, इनका नाम था मदर टेरेसा। रिमेंबर, इनको 1980 में अवार्ड मिलता है इंडियन, बट याद रखिए बर्थ नहीं हुआ। तो ऐसे 3 पर्सनैलिटी जिनका इंडिया में बर्थ नहीं हुआ है बट उनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे कौन से विनर्स हैं जिनको, जो भारत रत्न विनर है जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखा है, सीवी रमन की बात की जाए, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1930 में और भारत रत्न मिला 1954 में, मतलब इनको ही मिल चुका है। मदर टेरेसा देखा है, नोबेल प्राइज मिला 1979 में और भारत रत्न मिला 1980 में। रिमेंबर, नेक्स्ट है अमृत सेन, इकोनॉमिक्स में इनको मिला नोबेल प्राइज 1988 में और भारत रत्न मिला 1999 में। तो ऐसे 3 पर्सनैलिटीज हैं, रिमेंबर, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब भारत रत्न की बात करें, उसमें मिलता क्या है? तो याद रखिएगा, एक मेडल मिलता है जिसका शेप पीपल लीफ की टाइप का होता है, याद रखिए ब्रॉन्ज का बना होता है। आप देख सकते हैं फ्रंट में, आपको एक साइड, आपको फ्रंट में आप देख रहे होंगे सन बना हुआ है, ठीक है, भारत रत्न लिखा हुआ है। दूसरी साइड आप देख रहे होंगे एम्बलम बना हुआ, सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको, इसमें आपको एक साथ साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रेसिडेंट का साइन हुआ। इसमें कोई कैश अवार्ड नहीं मिलता, याद रखिए कोई अमाउंट नहीं मिलता है कि आप सोचो कुछ पैसे मिलेंगे, नो कैश कंपोनेंट। ओके, और अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, सबसे बड़ा ऑफिसर इंडिया में होता है प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, बट जिसको भारत रत्न मिलता है वो भी 7th ऑर्डर में आता है, मतलब रैंकिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट में प्रेसिडेंट है, सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड में, ऐसे करके पूरे प्रेसिडेंस का ऑर्डर बना हुआ, उसमें 7th रैंक होता है भारत रत्न होल्डर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मरने के बाद दिया सकता है? बिल्कुल दिया सकता है, पोस्टमसली अगर देखा जाए तो इट कैन बी ग्रांटेड। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले पोस्टमसली लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अब ये अवार्ड देता कौन है? तो ऑफकोर्स ये प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है, ये रिकमेंडेशन देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और उसके अकॉर्डिंग अवार्ड मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये साल में कितने लोगों को दिया सकता है? एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये भी याद रखना है आपको, 1 ईयर में 3 लोग को दिया जा सकता है। अभी लेटेस्ट भारत रत्न किसको मिला है? 2019 में 3 पर्सनैलिटीज को मिला है, उसके बाद अभी तक भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, याद रखिएगा। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद अभी तक किसी को भारत रत्न अभी लेटेस्टली नहीं दिया गया है, रिमेंबर। और कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें भारत रत्न की, तो महात्मा गांधी ऐसी पर्सनैलिटी, आपने इनका नाम सुना होगा, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जिनको भारत रत्न मिला था पर उनकी फैमिली ने उस भारत रत्न को रिटर्न कर दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्लस अगर पहली वुमेन जिसको भारत
भारत रत्न मिला है वो है इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में भारत रत्न मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ अदर पर्सनालिटीज जो भारत रत्न पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि अंबेडकर, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, पोस्टमसली इनको मिला है 1990 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगेन वेरी फेमस, 1981 में मिला, इनको भी पोस्टमसली मिला हुआ है। मोरारजी देसाई 1981 में इनको मिला हुआ है ना। सुब्बा लक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखिए 1998 में मिला है, पहली अगर पूछा है म्यूजिशियन जिसको मिला है तो वह है सुब्बा लक्ष्मी। और लता मंगेशकर, अभी उनकी डेथ हुई है तो न्यूज में, उनको भी भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग भारत रत्न, आई होप आपको समझ में आएंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जरूर मेरे इस लेक्चर को पूरा देखिए, इसे बहुत सारे की पॉइंट्स मैंने बताए हैं। प्लस अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप मेरे तुरंत एप्लीकेशन को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां पर आपको मेरे कंप्लीट कोर्सेज, वन ईयर का कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपके पास कोर्सेज हैं, आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है, तो आप मेरे नोट्स को भी विजिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, नोट्स का भी सैंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सैंपल चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस, तुरंत ऐप को डाउनलोड करें, नोट्स के सैंपल आपको मेरे लिंक पे मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक बार जाके सैंपल चेक कर लें। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी से भारत रत्न के बारे में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को 2 मिनट सीरीज में कवर किया। आई होप ये आपके कमिंग एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगा, तो इस लेक्चर को जरूर देख लेना। आपके स्टैटिक एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जा रहे हैं। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। थैंक यू।